हाँ तो भाई लोग यार कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आप लोग की लाइफ नंबर उनकी चल रही होगी। तो देखो यार, इस वीडियो में बात करने वाले एक नई मूवी के बारे में जो फाइनली रिलीज होने वाली है हिंदी डब में। इसका नाम होने वाला है एक और तेज खिलाड़ी, और इसी मूवी का हम करने वाले रिव्यू। देखने वाले क्या देखने को मिला हमें इसमें और क्या अच्छा लगने वाला है आपको, क्या बुरा लगने वाला है, इन सब बातों को बताएंगे अच्छे से डिटेल में। पर हाँ, इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दें कि कौन कौन देखने को मिलने वाला है, तो उसमें देखने को मिलने वाले मेगा स्टार मनमोटी सर, पृथ्वीराज सुकुमारन, प्लस आर्या सर, और इनसे अलग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर तमिल सिनेमा प्लस मलयालम सिनेमा की तरफ से। फिर अब बात निकल के आती है इसकी स्टोरी क्या है, क्या कहानी रखती है आपके सामने, पूरा प्लॉट क्या है इसका। तो देखो यार, जो इसका प्लॉट है वो फोकस करता है दो स्कूल के ऊपर, एक में जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं और जो अपने फ्यूचर को लेके संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरे स्कूल में बहुत ही अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं और वो लोग यार ड्रग्स व्रग्स ले रहे हैं और अपनी लाइफ को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, और ये लोग आपस में भिड़ते हैं, अब ऐसा क्या होगा और आने वाले टाइम पे स्टोरी क्या दिखाएगी, इन सब बातों को जानने के लिए तो आपको देखना होगा मूवी को। वो तो हम नहीं बताएंगे, पर हाँ ये जरूर बताएंगे मूवी कैसी लगने वाली है आपको, कितनी अच्छी लगने वाली है, कितनी बुरी लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा होने वाला है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा होने वाला है, पूरी स्टोरी कैसी थी। तो अगर पहले बात कर ले इसकी कहानी से ही, तो जो हाँ यहाँ पे पॉइंट दिखाई गया वो सच में लाजवाब है। और इसी वजह से बोला जाता है कि हम मलयालम सिनेमा जब भी कुछ स्टोरी पर काम करता है तो कुछ नया काम करता है, कुछ यार फ्रेश, चाहे वो प्लॉट यार खराब जाए बेकार जाए उससे मतलब नहीं होता, पर हम कुछ लाते हैं तो नया लेकर आते हैं, जो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब यार मूवी क्या दिखा सकती है और क्या सिखा सकती है आपने सोचा भी नहीं होगा स्टार्ट करने से पहले मूवी को, और जो चीज दिखा के जाएगी उससे यार 100% आप सेटिस्फाई होंगे, लगभग यार ज्यादातर लोग तो हो जाते हैं। पर हाँ, मूवी के साथ भी यार कुछ प्रॉब्लम है इस पूरे मूवी के साथ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले अगर स्टोरी के बारे में बात कर ले अच्छे से, तो स्टोरी का प्रेजेंटिंग का तरीका हो, कैरेक्टर राइटिंग हो, या फिर जो दिखाना चाहती थी उसका मोटिव बिल्कुल क्लियर था। जो चीजें लोग रखते हैं सामने वो आपको पसंद तो आता है, पर अगर बात कर ले वहीं स्क्रीन प्ले में जाके, तो चाहे यार फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, दोनों में ही थोड़ा बोर करने वाली है और 100% करने वाली है। और जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर राइटिंग की गई है, कैरेक्टर बहुत सारे थे और उनको थोड़ा स्क्रीन टाइम कम दिया गया है, और उन लोगों के कंपेयर में लगभग यार आर्या सर थे, पृथ्वीराज सुकुमारन है, मनमोटी सर है, और इनसे लगभग यार छोटे छोटे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। और ये लोग जो प्लॉट उठाते हैं ऑडियंस के सामने रखते हैं, उसको देख के लगता है कि इनको स्क्रीन टाइम और लेना चाहिए, या फिर कुछ सीन को काट देते तब भी ज्यादा बेहतर रहता। मतलब दोनों केस में मूवी यार फॉलो नहीं करती है, मूवी की लेंथ जितनी है उस बीच में थोड़ा सा बोर हो जाते हो, थोड़ा बहुत यार लेंथी फील होती है और थोड़ा जगह यार आपको कनेक्ट नहीं करती है, और जब ऑडियंस कनेक्शन ही नहीं होगा किसी मूवी का अच्छा, तो क्या घंटा एंटरटेन करेगी वो। और ये प्रॉब्लम है पूरे मूवी के साथ में। मूवी का प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छा था जो पसंद आने लायक है, बाकी जो है बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिलता है वो काफी अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है कई सारे सीन में, और कैमरा वर्क भी यार काफी अच्छा है। मतलब यार टेक्निकल वर्क में मूवी यार प्लस पॉइंट लेके जाती है, वही जो बैकग्राउंड स्कोर था वो मेरे को लाजवाब लगा यार, पसंद आने लायक था और सच में आने लायक था। प्लस जो स्टोरी पॉइंट दिखाती है, जो इसका सोशल मुद्दा था, वो भी यार अच्छे तरीके से टच कर जाती है, पसंद आने लायक है। अगर बात कर ले एक्टिंग के बारे में, तो चाहे यार आर्या सर हो, पृथ्वीराज सुकुमारन हो, क्योंकि यार स्टोरी इन दोनों लोगों से स्टार्ट होती है, उसके बाद मनमोटी सर हो, इन दोनों का यार बहुत ज्यादा लाजवाब है। सबने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है और सबका कैरेक्टर आपको पसंद आने लायक है, लगभग यार 100% आने लायक है। तो अगर ओवरऑल बात कर ले मूवी के बारे में, तो मूवी का अपना पॉइंट तो यार पक्का था कि ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, पर उस प्लॉट पे यार थोड़ा और काम करने की जरूरत थी और कैरेक्टर राइटिंग और अच्छी करने की जरूरत थी। फिलहाल मेरे हिसाब से तो मुझे देख के यही लगा। बाकी अगर बात करें हिंदी डबिंग के बारे में, तो यार इस बारे में भी कोई डिटेल मेरे पास है नहीं जो बोल पाऊं, पर हाँ जहां तक तो उम्मीद यार अच्छी होगी, क्योंकि यार इस बीच में ज्यादातर मूवीज जो आई हैं उनकी यार हिंदी डबिंग यार अच्छी ही रही है, तो उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी अगर कमी देखने को मिलती है, तो अगर ओवरऑल बात करें तो यार मेरे हिसाब से मूवी को चाहो तो एक बार जाकर देख सकते हो, कुछ नया देखने को मिलेगा इसकी गारंटी है, पर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा बोर करेगा ये भी गारंटी है। तो अब आपकी मर्जी, जाना हो तो जाओ देखो एंजॉय करो, मूवी आपको 9 बजे देखने को मिल जाएगी जी सिनेमा पे, फिर जाओ देखो एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में।